दिखाया जाएगा जमाल गुंबद खज़रा, 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 दिखाया जाएगा कभी मुझे भी मदीना बुला, कभी मुझे भी मदीना बुलाया जाएगा जमाल गुंबद। वाह मेरे जवान दोस्त, वाह, एक अकेली खुल मिल जाए तुम्हारी दुआ, माशाल्लाह के जमाल गुंबद खज़रा, दिखाया जाएगा कभी मुझे ही मदीना बुला, मदीना छोड़ के हमसे ना आया जाएगा, मदीना छोड़ के हमसे ना आया जाएगा। एक शेर उलमा इकराम बैठे हैं, ये चंचनाहट को भाई खत्म कर दीजिए, सनसना ये चंचन जो कर रहा आप बैग में जैसा बज रहा था पहले जैसा बजाया वैसा बजा दे। कि जमाल गुंबद खज़रा, दिखाया जाएगा वो मिस्र है वहां उंगली कटाई जाती है, आप बता अगर सुनकर बता दे तो इंशाल्लाह मैं पढ़कर बता दूंगा। कि वो मिस्र है, बस आवाज बढ़ा दो, वो मिस्र है वहां उंगली कटाई जाती है, वो मिस्र है, वो मिस्र है वहां उंगली कटाई जाती है, ये है मदीना यहां सर कटाया जाएगा, ये है। शायर पढ़ता नहीं पढ़वाया जाता है, समझ गए, ईमानदारी से दोनों हाथ उठाकर इस शेर का इस्तकबाल होना चाहिए, मोहब्बत के साथ जरा हाथ उठाएं, नारे तकबीर, अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों को जो आए हैं मोहब्बत के साथ, सुन बहुत अच्छा रहे मगर मेरे साथ अगर जुड़ जाए तो बहुत अच्छे अच्छे शेर निकल जाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने चितमा दी, मसलक आला हजरत, आले रसूल, औलादे रसूल। और हजरत वो जालिम आला हजरत के सलाम को रोकते हैं, आला हजरत ने तो ऐसा सलाम लिखा है कि पढ़िए एक मर्तबा और एक लाख मर्तबा पढ़ने का सवाब मिलता है, मुस्तफा जाने रहमत पे। अरे जोर से यार हजरत को आप बता दें कि आप बोलना जानते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे, हाथों को उठाकर मुस्तफा जाने रहमत पे,
चितमाडी वालों, कमेटी वालों, ये शेर जरूर मुझे सुनकर बताइएगा। जमाले घूमे बदे खजरा दिखाया जाएगा, दुनिया में मुझे अच्छा थोड़ी सी तरमीम कर लेता हूँ। मुजावरों के कलेजे पे चढ़ के दुनिया में, सलाम प्यारे रजा का सुनाया जाएगा, सलाम प्यारे रजा का सुनाया जाएगा। जमाले घूमे बदे खजरा दिखाया जाएगा। हुसैनियों के हवाले जरा कह दे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, सुने के लुटा के जा लिए कहते थे करबला वाले, लुटा के जा लुटा के जा लिए कहते थे करबला वाले, दीन का रुतबा बढ़ाया जाएगा, नबी के दीन का रुतबा बढ़ाया जाएगा। अच्छा आप सुन रहे हैं, ना बोले ना बोले लेकिन सुन अच्छा रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद के आला हजरत, अरे बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए, अरे बुलबुल को फूल सम्मा को परवाना चाहिए, रसूले पाक का है तो दीवाना चाहिए, और जो जो भी करते हैं आका का बुराई तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आपको बगैर माइक के नारा लगाना चाहिए। अरे इनको दीजिए ना, इन्हें 50 रुपए इनाम दीजिए। हाँ दीजिए दीजिए, खुदा कसम ये फिर आएंगे माइक में नारा लगाना। अरे फिर देंगे, मिलेगा इंशाल्लाह। जो हुजूर का नारा लगाएगा उसे यहाँ भी मिलेगा और वहाँ भी मिलेगा, है कि नहीं? सुने सुने, आज मुसलमानों को टारगेट कर लिया जाता है, मुदारी टोपी देखकर कमेंट किया जाता है। आपको क्या लगता है ये मुसलमानों के साथ नया है? नहीं, मुसलमानों के आका जब रास्ते से चलते थे तो दुश्मन रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे, मेरे मुस्तफा पर पत्थर बरसाया करते थे, लेकिन तारीख इस्लाम गवाह है कि जो मुस्तफा की राहों में कांटे बिछाते थे वही मुस्तफा के लिए अपना सर कटाने को तैयार हो गए, और वो इस्लाम का झंडा जो कल भी ऊंचा था आज भी ऊंचा है और कयामत तक। ऐसे नहीं, मैं पढ़ूंगा लेकिन आपको बोलना पड़ेगा इंशाल्लाह। आज मैं बुलवा कर जाऊंगा, नबी के नाम पर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इंशाल्लाह बोलना पड़ेगा, और मैं कराम की बस दुआएं चाहूंगा, इंशाल्लाह बोलेंगे आप हजरत नबी के नाम पर पूरा मजमा। वो इस्लाम का झंडा जो कल भी ऊंचा था आज भी ऊंचा है और कयामत तक। अगर हाथ सलामत है तो हाथों का इस्तेमाल करें, अगर जुबान सलामत है तो जुबानों का इस्तेमाल करें। नबी का झंडा कल भी ऊंचा था आज भी ऊंचा है और कयामत तक। जरा हाथों को झंडे बनाकर कयामत तक, अभी भी नहीं, मैं चाहता हूँ आवाज यहाँ से उठे, मदीना शरीफ पहुंच जाए, कयामत तक ऊंचा रहेगा।